संगम नगरी में 8 अक्टूबर को होने वाले भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर वायुसेना के योद्धा 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर द्वारा संगम क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखाएंगे। इनमें ट्विन सीटर तेजस C-295 पहली बार किसी एयर शो में शामिल होंगे। 8 अक्टूबर को एयर शो की शुरुआत सबसे पहले तिरंगा लेकर चेतक हेलीकॉप्टर आएगा, उसके साथ 9 सूर्य किरण विमान भी आएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बीते बुधवार को ही वायुसेना को जो पहला ट्विन सीटर 2 सीट वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सौंपा है, वो प्रयागराज में होने वाले एयर शो में पहली बार दिखेगा। इसके साथ ही हाल ही में स्पेन से मिले C-295 विमान का भी एयर शो में दीदार होगा। मिली जानकारी के अनुसार इनमें तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरकर 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह मेक इन इंडिया की ताकत को यहां दर्शाएगा। स्थापना दिवस में परेड के मौके पर अग्निवीर भी शामिल होंगे। देश की चौकसी में 5 दशक से तैनात MiG-21 बाइसेन को प्रयागराज में आयोजित एयर शो के माध्यम से विदाई दी जाएगी। यह विमान जब आसमान में उड़ेगा तो वो सूर्य अस्त होने की पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। इस MiG-21 के सम्मान में राफेल विमान उसे एस्कॉर्ट करेगा। एयर शो में विंटेज विमान भी शोभा दिखाएंगे। यहाँ विंटेज विमान टाइगर मॉथ और हार्वर्ड टेनर शो में शामिल होंगे। आर्मी और नेवी के जंगी जहाज भी शो में शामिल होंगे। इसमें रुद्रा हेलीकॉप्टर और डकोटा विमान मुख्य हैं। ये सभी विमान संगम में अपने कारनामे दिखाकर लोगों को अचंभित करेंगे। इसके साथ ही AN-32 विमान से वायुसेना के 5 जाबांज जवान 1000 फीट से पैराशूट की मदद से नीचे कूदेंगे और संगम क्षेत्र में लैंड करेंगे। Beautiful yellow aircraft and the presence of all of his